फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी फोटो के चारों तरफ बॉर्डर कैसे ऐड करना चाहिए। हालांकि ये आप जानते होंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका होता है, उसको सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने लेयर पैनल के इस लॉक को अनलॉक कर लीजिए। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, यहाँ इमेज के अंदर जाना है। यहाँ से आप देखेंगे तो कैनवस साइज होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां आने के बाद आप यहां देखेंगे ये रिलेटिव है, इसको चेक करके रखेंगे। हो सकता है ये अनचेक हो, तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। और उसके बाद यहां से जितने भी पिक्सल्स ऐड करना है चारों तरफ आप यहां पर फिल कर लीजिए। तो फिलहाल मैं 50 पिक्सल ऐड कर रहा हूं दोनों जगह पर, विड्थ एंड हाइट। अब ये 50 पिक्सल डिवाइड हो जाएगा 25-25 में। उसके बाद आप इस सेंटर वाले एंकर पर क्लिक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब ये देखें, चारों तरफ से एक बॉर्डर बन गया है। अब आपको इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएं और यहाँ से सॉलिड कलर सेलेक्ट करें, और यहाँ से जो भी कलर आपको ऐड करना है वो कलर ले सकते हैं। यहाँ से ओके कीजिए और इसको ड्रैग करके बॉटम पे कर दीजिए। ये देखिए, एक प्रोफेशनल तरीका है। इस तरीके से आप फोटो की प्रिंटिंग करा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।